हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ कुछ बेसिक टर्म्स, वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, AMF, और साथ ही साथ उसके बाद हमने आपको बताया था प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को आप प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, अर्थात रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर और पैरेलल में कनेक्ट करने पर उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक हमने एक रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी और उसके गुणों के बारे में हमने चर्चा की है। सपोज करिए आपके पास मल्टीपल टाइप के रेजिस्टेंस हो, अर्थात दो रेजिस्टेंस हो, तीन रेजिस्टेंस हो या चार रेजिस्टेंस हो, उन रेजिस्टेंस को आप या तो सीरीज जोड़ सकते हैं, या तो पैरेलल जोड़ सकते हैं, या मिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्किट में आपको सीरीज सर्किट दिखेगी, पैरेलल सर्किट भी दिखेगी। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हमें सीरीज और पैरेलल सर्किट को पहचानना भी आना चाहिए, साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका तुल्य प्रतिरोध सीरीज में क्या होगा और तुल्य प्रतिरोध पैरेलल में क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक आज हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे सामने फ्रेंड्स एक सर्किट दी हुई है जिसमें हमने बेसिकली तीन प्रतिरोध को लिया है। प्रतिरोध आपका पहला है R1, दूसरा है R2, फिर आपका R3 है। ये आपकी करंट I है और ये आपका बैटरी लगी है, वोल्टेज लगा है आपका V। हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, सर्किट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन सर्किट आपकी कंप्लीट भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ पे हायर वोल्टेज है, यहाँ पे लोअर वोल्टेज है। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये करंट आई जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चूंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा में हमेशा और हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले प्लस आएगा फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हो गई आपकी करंट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं इस चीज को। मान लीजिए इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। ठीक है फ्रेंड्स, बारी बारी से निकाल सकते हैं V1 का मान। V1 की छोड़ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इनटू रेजिस्टेंस। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप बराबर धारा वोल्टेज प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, धारा देखिए सीरीज सर्किट है तो धारा तो आपकी सेम जाएगी, समान धारा जाएगी, और उसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। वोल्टेज ड्रॉप अलग क्यों होगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस अलग अलग है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी वन छोड़ क्या हो जाएगा, देखिए करंट आपकी आई है, आई R1 होगा। बी टू क्या होगा फ्रेंड्स, आई R2 होगा। इसी प्रकार से आपका V3 क्या हो जाएगा, I R3 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, इसलिए हमने अलग अलग तीनों का मान निकाल दिया। क्योंकि धारा का मान सेम होता है, और फ्रेंड्स हम जानते हैं किसी भी सीरीज सर्किट में हमेशा एक समान धारा प्रवाहित होती है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि सीरीज परिपथ में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है, एक समान धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हमने धारा का मान सेम करेंगे। सेम करंट आगे भी जाएगी, वही करंट आगे में भी है, वही करंट आगे में भी जाएगा, इसलिए धारा का मान हर जगह सेम आएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज आपका क्या है फ्रेंड्स, वी वी वोल्टेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा अगर ये टोटल वोल्टेज है तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वी टू आई, इसमें जो जाने वाली धारा है, इनटू टोटल प्रतिरोध। क्योंकि फ्रेंड्स हम टोटल रेजिस्टेंस को अभी हमारे पास कैलकुलेशन है नहीं, क्या लिखेंगे हम, आई इनटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। देखिए फ्रेंड्स, आई हर जगह कॉमन है, आई आपको
इक्वलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो फ्रेंड्स हमने आज एक सीरीज पेपर के लिए फॉर्मूला डिराइव किया कि यदि कई प्रकार के प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं तो सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीन प्रतिरोध को हमने सीरीज में जोड़ा है तो इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो फ्रेंड्स आज से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि जब भी सीरीज परिपथ की बात आएगी वहां पे तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे। अगर पांच प्रतिरोध होते तो पांचों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध दिए हैं, उन तीनों प्रतिरोध को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम निकालते हैं कि इनका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारे सामने ये तीन प्रतिरोध है आर वन आर टू और आर थ्री। इन तीनों प्रतिरोध को हमने पैरेलल में जोड़ा है। सबसे पहली बात ये फ्रेंड्स कि हम कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल में है। तो फ्रेंड्स पहचानने का सिंपल तरीका ये है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है। अगर दो डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है अथवा दो कैपेसिटेंस अथवा दो इंडक्टेंस, अगर कोई भी आपके कंपोनेंट अगर पैरेलल कंडीशन में है, पैरेलल अवस्था में जुड़े हुए हैं, तो हमेशा उनके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो समान होगा। सेकंड चीज फ्रेंड्स, पैरेलल सर्किट में हमेशा करंट डिफरेंट होती है। वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होती है। इससे पहले तो फ्रेंड्स आपको बताया कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में फ्रेंड्स धारा का मान एक समान होता था, वहां पे वोल्टेज आपका अलग था, वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होगा फ्रेंड्स, पैरेलल में फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज तो समान होगा लेकिन धारा का मान अलग अलग होगा। किस प्रकार से होगा फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो करंट है बैटरी के थ्रू आपकी जो करंट आई, मेन करंट आई है आपका, यही करंट आने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पे नोड है, इसको मिला, इस नोड से एक करंट इधर की मान लीजिए आई वन, एक करंट ऐसे जा रही है आई टू, और एक करंट इधर जाएगी आपकी आई थ्री। तो पैरेलल सर्किट फ्रेंड्स देख रहे हैं, तीनों परिपथ में आपका तीनों इस जो है रेजिस्टेंस में धारा का मान अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज फ्रेंड्स सेम होगा। हमने आपको बताया कि पैरेलल सर्किट में क्या समान होता है, वोल्टेज, वोल्टेज सभी के अक्रॉस सेम होगा, अर्थात जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा और वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, केवल करंट अलग अलग होगी। तो फ्रेंड्स करंट अलग अलग होगी तो करंट का मान हम तीनों कॉम्पोनेंट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले काम रेजिस्टेंस में जाने वाला जो आपकी धारा है आई वन, आई वन इक्वल टू क्या होगी फ्रेंड्स, आई इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 वोल्टेज जो कि हमारा सेम होगा फ्रेंड्स, वोल्टेज V हो जाएगा अपॉन प्रतिरोध क्या है आपका फ्रेंड्स R1। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं I2 बराबर I2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो सभी के अक्रॉस फ्रेंड्स सेम है तो कोई वोल्टेज परिवर्तन होगा नहीं, अपॉन R2। इसी प्रकार से आपका I3 भी निकल आएगा, वोल्टेज अपॉन R3। तीनों करंट फ्रेंड्स इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया, I1 का मान आपका आ गया V / R1, I2 का मान V / R2, I3 का मान V / R3। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यही जो करंट मेन यहां पे आई है फ्रेंड्स, यही करंट आपके डिवाइड हो गई है, यहां पे फ्रेंड्स हम KCL लगा सकते हैं, अर्थात यही करंट जो आपकी आ रही है I बराबर देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे, इसको मिटा दीजिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह सॉल्व कर लूंगा इसको फ्रेंड्स, एक बार हम यहां पे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपकी करंट जो आई है वो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आई को आई बराबर क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यही तो मेन करंट है फ्रेंड्स जो जाके आगे डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे फिर सम हो जाएगा दोनों का, तीनों का फिर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब इनकी वैल्यू फ्रेंड्स आप नोट कर दीजिए, आई वन इक्वल टू क्या है आपका, V upon
R1 plus V upon R2 plus V upon R3. यहाँ देखिए friends, I equal to main current क्या होगा friends? Main current जो friends होगा आपका I equal to V upon V आपका main voltage है V upon total means आपका आ जाएगा I की current. ठीक है friends, कितना आ जाएगा? आगे friends इसको कर सकते हैं आगे V upon R equal to क्या आ गया friends? V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. अब ध्यान देखिए friends, V आपका common है यहाँ पे भी V है. फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स V upon R equivalent is equal to V आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा फ्रेंड्स 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 ये हो जाएगा फ्रेंड्स V से कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा फ्रेंड्स 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon तो फ्रेंड्स हमने पैरेलल सर्किट में भी एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि यदि तीन प्रतिरोध आपके पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा. इसका तुल्य प्रतिरोध फ्रेंड्स क्या आता है 1 upon R equivalent इस तरह ले सकते हैं 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है फ्रेंड्स तो हमने सीरीज और पैरेलल दोनों कंडीशन में हमने फ्रेंड्स प्रतिरोधों को जोड़ के उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीख लिया. तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही. हमने आज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लिया है. सेम टॉपिक को फ्रेंड्स अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.